सभी का मंगलो नमस्कार। विवाह के दौरान में हमारे को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी फूटता ना दर्शे या हम क्या कहते हैं कोई असुविधाजनक कार्य ना कर पाए, ठीक ना। मेरे प्लेलिस्ट में विवाह के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी, बारीकी से गौर करेंगे तो बहुत बारीकी से भी समझ आएगा। यहाँ पर यह कि डिस्टेंस मैरिज का एक चलन बन चुका है पिछले कुछ सालों से, लेकिन हम उसके अंदर भी एक चीज़ का ध्यान नहीं दे पाते हैं कि आखिर आप जिनको ही बुलाएंगे, चाहे थोड़े बुलाओ चाहे ज़्यादा बुलाओ, उसमें बच्चे भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, बूढ़े भी होंगे, ठीक है ना। अब क्या रहता है कि आपने मान लीजिए हाइट्स पे बुला लिया, उस हाइट्स पे तो जन्नत है, स्वर्ग है, लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता हाइट्स के अंदर के बहुत ऊंचाई पर हाइट्स पे एक कहते हैं 40 किलोमीटर को भी कहते हैं 1.5-2 घंटे लग जाते हैं पार करने में। तो भाव मेरे बस खाली इतने से हैं कि हमें ऐसी जगह नहीं करना चाहिए जहाँ पे कि जाते समय आते समय तो बहुत चक्कर आए, उल्टी आए, अजीब स्थिति बने और ऊपर जाके भले आराम मिले, तो ये भी कोई फायदे वाली बात नहीं है। या कहीं पर भी ऐसी जगह जहाँ आने जाने में बहुत असुविधा हो। अभी जैसे एक सज्जन वृंदावन में शादी कर रहे हैं, वो ये बात बार बार भूल रहे हैं कि वृंदावन में तो वैसे भी रविवार शनिवार इतनी भीड़ रहती जगह आदमी है, फिर वो मुहूर्त आप वहाँ पर कर रहे हैं ठेठ वृंदावन के अंदर, ये भी नहीं आउटर में, तो वहाँ पर कितनी भीड़ रहेगी, कितनी आने जाने में असुविधा रहेगी, बहुत दिक्कत वाला काम बनता है। इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी जगह शादी करें डिस्टेंस जिसमें आने जाने में किसी को भी असुविधा ना हो, तबीयत खराब नहीं हो, चक्कर नहीं है, उल्टी नहीं, अजीब स्थिति ना बने मतलब। और साथ साथ में सबसे बड़ी चीज़ है, जिस स्थान पर जा रहे वहाँ पर भी कोई दिक्कत ना बने। दिक्कत कर किसी और चीज़ नहीं, लेकिन आज वृंदावन में क्या दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है गाड़ी निकल नहीं सकती, गाड़ी निकलना दूर का तो आदमी नहीं चल सकता, कई जगह तो रिक्शे बंद हो जाते हैं, वाहन बंद हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। इस चीज़ पे आप गौर करके चलिए। और तीसरी चीज़ मैं इसके अंदर और जोड़ूंगा आपको, मैं डीजे के लिए, देखिए मेरे डीजे पे भी वीडियोस बन चुकी हैं, बार बार कहूँगा डीजे कृपया करके ना चलाएं, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा।